अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर देश के लोगों में काफी उत्साह है। इस बीच राम जन्म मंदिर का निर्माण एवं भूमि पूजन के लिए हाथरस से चांदी की ईंट लेकर जिले से राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा अयोध्या के लिए साइकिल से रवाना हो गए हैं। इनके साथ सुरक्षा कारणों से 2 कर्मी मिले हुए थे, लेकिन उनमें से एक ही को साथ जाने की अनुमति दी गई है, जिसे लेकर राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बता दें कि निर्माण एवं भूमि पूजन के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के संस्थापक दीपक शर्मा ने भी पहल की है। चांदी की ईंट लेकर वो रवाना हो चुके हैं। उन्होंने अपने निवास पर चांदी की ईंट का विधिवत पूजन किया और जय श्री राम के नारों के साथ साइकिल से ईंट लेकर रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने काफी इंतजार किया है। 493 वर्षों के बाद और 30 वर्षों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये मौका मिला है। मेरी पिछले 8 सालों की तपस्या, जब से मैंने ये राष्ट्रवाद के राह पर चलना शुरू किया, वो श्री राम से ही शुरू हुई थी। और 493 वर्षों के बाद और लगभग 30 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के बाद जब ये राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राम का ये भक्त यहाँ से उनके लिए इतना भी न लेकर के जाए। कुछ किया है करने के लिए तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन प्रभु श्री राम के लिए जहाँ जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहा हो, चाहे वो अयोध्या में जा कर के आंदोलन रहा हो, सब कुछ किया। और हर वो कार्य करने के लिए हमेशा ही मैं और मेरी टीम प्रयासरत रही कि राम मंदिर सफलतापूर्वक बन सके। इसके यहाँ तक कि कई बार मैं जेल भी गया, गिरफ्तार भी हुआ, कई केसेस भी हैं सिर्फ प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के। कैसे जा रहे हैं और रूट क्या रहेगा आपका? मैं इस ईंट को लेकर के साइकिल से जा रहा हूँ। यहाँ से 560 किलोमीटर जो अयोध्या है, साइकिल से जा रहा हूँ। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि 5 को सुबह मैं अयोध्या में जब शिलान्यास हो प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का, तो उसमें ये ईंट रखी जाए। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।